हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे IAS यानी कि ये जो है हमारा टेंस चालू करने से पहले SES और IAS का जो कंसेप्ट है उसको हम देख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग एस और ES का प्रयोग देख चुके हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे IES की। तो हमने पहले भी बताया था, हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि इनका जो प्रयोग है, SES और IAS का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एकवचनकर्ता के साथ में होगा। दोस्तों, अगर आप कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई किसी नोटबुक में लिख रहे हैं तो इनके बारे में आप छोटा छोटा सा एक नोट बना के रखें, एक इसकी जानकारी बना के रख लें ताकि हमें बाद में भी ये काम में आ सके। दोस्तों, हम देखते हैं कि IES का जो उपयोग है वो हम कैसे करेंगे। तो यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो, व्यंजन हो, तो हम वाई को हटाकर वाई के स्थान पर IES का प्रयोग करते हैं। यानी कि अब हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कोई सेंटेंस बना रहे हैं, और अगर कोई वर्ब ऐसी आ गई जिसके अंत में कोई ऐसा वर्ड आ गया, वर्ब आ गई जिसके अंत में जो है वो वाई है और वाई के पहले अगर कोई कंसोनेंट है, कोई व्यंजन है, तो हम वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पर हम IES का प्रयोग करेंगे, यानी कि IES को लिख देंगे। दोस्तों, जब हमने शुरू में पढ़ा था एस का कंसेप्ट, तब हमने देखा था कि यदि किसी वर्ब के अंत में जो है वो एस आता है और यदि किसी वर्ब के अंत में जो है वो वाई आता है और वाई के पहले अगर कोई वॉवेल आ जाता है तो हम वाई को नहीं हटाते थे, बल्कि हम वाई के बाद में जो है वो एस लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर अगर वाई के पहले अगर कोई कंसोनेंट आया है तो हम वाई को जो है वो हटा देंगे और वाई के स्थान पर हम IES का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं, हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारी जो कंडीशन क्या है कि यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, वाई हो और वाई के पहले कोई व्यंजन होना चाहिए, यानी कि ए ई आई ओ यू स्वर को छोड़कर बाकी सब क्या कहलाएंगे, कंसोनेंट, हमारे व्यंजन कहलाएंगे। तो यहाँ पर वाई को हम हटा देंगे। सबसे पहले हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो हम वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पर जो है हम लिख देंगे IES। तो यहाँ पर वर्ब के अंत में जो है वो वाई आया है और इसके पहले आर जो है कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो हमने क्या किया, क्राई को क्राइस, क्राई यानी चिल्लाना हो गया, क्राइस यानी चिल्लाता है, तो वह जोर से चिल्लाता है, ही क्राइस लाउडली, वह जोर से चिल्लाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एकवचन होगा, जो हमारा कर्ता जो है वो एकवचन होगा। तो यहाँ पर हमने वाई को हटा दिया है क्योंकि इसके पहले, वाई के पहले जो है वो कोई व्यंजन है, कोई कंसोनेंट है, तो हमने वाई को हटा दिया और वाई के स्थान पर हमने लिख दिया IES। इसी तरीके से अगले हम कोई वर्ब देखेंगे, ट्राई, ट्राई यानी कि कोशिश करना, ट्राइस कोशिश करता है, स्टडी यानी पढ़ना है, स्टडीज यानी पढ़ता है, फ्लाई, फ्लाई यानी कि उड़ना, फ्लाइज उड़ता है, अप्लाई अप्लाइज। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वर्ब हो सकती है, बहुत सारी वर्ब ऐसी है जिसके अंदर, जिसके वर्ब के अंत में जो है वो वाई आता है और वाई के पहले कोई कंसोनेंट आता है तो हम वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पर जो है हम IES का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ब और भी हो सकती है, बहुत सारी वर्ब है जिसके साथ में ये चीज़ें यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है SES और IES का जो प्रयोग है वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो से हम लोग टेंस के अंदर एंटर कर जाएंगे। और दोस्तों, जिसने टेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिए, जिसने टेंस को समझ लिया, टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, उसके बाद में इंग्लिश बोलना या ग्रामेटिकली किसी चीज़ को बनाना,
वो हमारे लिए कोई कठिन नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक जानकारी है वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो हमें एस ई एस और आई एस का जो उपयोग है वो हमें याद रखना है, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो मात्र एक टेंस के अंदर होता है, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। इसके अलावा इसका प्रयोग कहीं नहीं होता है। तो हमें इस बात को नोटिस करके रखना है। और बोलना, जब हम बोलने की बात करेंगे, जब हम इंग्लिश में हम बोलना शुरू करेंगे, जब हम बोलेंगे तब भी हमें इन सब चीज़ों का जो प्रोनंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो स्पष्ट रूप से आना चाहिए। स्पष्ट रूप से हम लोग इसको बोल पाए, हम ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोनंसिएशन है वो क्लियर होगा तभी हम कह सकते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना आता है। तो दोस्तों हमें एस ई एस और आई एस का कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है, और इसको जब हम बोलेंगे तब भी हमें इसको बोलते टाइम भी हमें क्लियरली बोलना है, शी फ्लाइज काइट, शी फ्लाइज इन द स्काई। तो हमें जो भी वर्ब के अंत में जो आ रहा है, जिस हिसाब से प्रयोग हो रहा है एस ई एस या आई ई एस का, इसको हमें सब तरीके से सही से बोलना है। तो दोस्तों ये जो है वो जानकारी हमारी कंप्लीट होती है। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस। तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।